बहुत काबिल डॉक्टर थे, बाहर से पढ़ के आए थे, तो डॉक्टर साहब हमेशा कहते थे कि बेटा दवाई को अवॉइड करें। और वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी एज के थे, वो कहते थे कि मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अवॉइड किया दवाइयों को, क्योंकि मैं ग़िज़ा से इलाज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने खुद मेडिसिन पढ़ी है, पढ़ाई है हमेशा, तो इसके कितने नुकसान होते हैं। एक चीज़ का इलाज तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद आपके साथ क्या होता है, अंदर बॉडी को ये कितना नुकसान पहुँचाती है। तो मैक्सिमम आप दवाइयों को अवॉइड करें और कोशिश करें कि घरेलू चीज़ें जो हैं, घरेलू टोटके जो हैं, उनसे आप अपने इलाज को आगे मतलब बढ़ाने की कोशिश करें। बहरहाल मेडिसिन भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप डाइट का ख्याल रखेंगे तो शायद आप बीमारी को भी अवॉइड कर लें। आज हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से। कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज है जिसका नाम सुनते ही हर बंदा घबरा जाता है कि खुदा ना खास्ता ये मुझे हो ना जाए। लेकिन कैंसर बेसिकली क्या है, ये मल्टी वाइटामिन्स की कमी होती है। अब आपको लगेगा तो बड़ी छोटी सी बात है कि मल्टी वाइटामिन्स की कमी, वो तो हम सब में होगी, तो लेकिन मल्टी वाइटामिन्स की कमी इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा मर्ज कैसे बन गया। एग्जैक्टली, अब आपने करना यह है कि जितने भी कैंसरस पेशेंट्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि अगर हम किसी की रहनुमाई कर सकें। एक घर में चीज आपको वाफर मकदार में मिलती है जिसको कहा जाता है लहसुन, इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक। हमारी नानियों दादियों, उनके आगे से नानियां दादियां, उनका शुक्र गुजार हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें हंडिया में सालन में लहसुन अदरक प्याज डालने की इतनी आदत डाल दी है कि हम पाकिस्तानी लोग, एशियंस जो हैं खासतौर पर, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करती, हम लोग ये चीजें रोजाना की बुनियाद पर अपनी हंडिया में डाल के खाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूं कि जी जो चीज पक जाती है उसकी फादियत में समझ लें कि 80% कमी हो जाती है। पका हुआ लहसुन और अदरक 20% रिजल्ट देगा, जबकि आप रॉ फॉर्म में खाएंगे, कच्चा खाएंगे तो 100% देगा। तो सी द डिफरेंस, ऑलमोस्ट 80%। तो अब आपने करना ये कि जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, जो नहीं भी हैं, वो कैंसर से बचने के लिए इसको एज अ वैक्सीन यूज करें ताकि उनको कैंसर हो ही ना, वो ये करें कि डेली उठ के 2 क्लॉथ्स लहसुन के लें। आप एक से शुरू करें, क्योंकि इसका टेस्ट ऐसा होता है, स्मेल ही होता है, तो आप इतना अच्छे तरीके से नहीं खा सकते इसको। आप इसको करें कि 2 से शुरू करें और 2 के बाद आप एक से शुरू करें, उसके बाद आप 2 खाएं, 1 क्लॉप डेली खाएं आप लहसुन का। और इसका सिर्फ ये फायदा नहीं होगा कि ये एंटी कैंसरस होता है, बल्कि ये आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनका बीपी लो होता है, कोलेस्ट्रॉल इससे लो तो नहीं मैं कहूंगी, नॉर्मल हो जाता है, या अगर हाई होता है तो वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, और एक नॉर्मल मतलब मेंटेन कर लेते हैं आप इसको कोलेस्ट्रॉल को। जब आपका बीपी कंट्रोल होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, तो आप हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक से भी बच सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को बहुत प्यारा कर देते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि स्किन गोरी होना बहुत जरूरी नहीं होता, लेकिन आपकी स्किन प्यारी हो तो आप खूबसूरत लगते हैं, चाहे आपका रंग सांवला हो, मठा हो, काला ही क्यों ना हो, यू लुक वेरी ब्यूटिफुल। इसके अलावा आप लहसुन से ये भी फायदा हासिल कर सकते हैं, इसके अंदर आपको बता दूं होता क्या है, एलिसिन मैंगनीज होता है, मैंगनीज के अलावा इसमें विटामिन B6 होता है, विटामिन सी भी होता है इसमें, इसमें फाइबर भी होता है। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इफादियत रखती हैं। और जिस तरह खवातीन की अगर बात करें, बहुत सी खवातीन के बारे में आप कहते हैं जिसने 2 बच्चे पैदा किए और औरत बेचारी रह गई, उस खातून के लिए मतलब जारी बात है, लड़कियों में खवातीन में जो बोन्स के इशूज़ हैं वो ज़्यादा होते हैं मर्द के नस्बत। और खवातीन कहते हैं ना जो 40-45 साल की उम्र में बूढ़ी हो गई, क्योंकि वो अपनी बोन्स का ख्याल नहीं रखती हैं, तो बोन्स के जो इशूज़ हैं वो खवातीन में ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का डिजीज़ है, आर्थराइटिस के डिजीज़ का उनको सामना करना पड़ता है। फिर वाइटामिन डी हम सब लोगों में, मैं यकीन से कहती हूँ 99.99% लोगों में कम होगी, क्योंकि हम धूप में बैठना पसंद ही नहीं करते। तो मैं उन खवातीन के लिए भी कहूँगी कि लहसुन उनके लिए भी बहुत अच्छा है, कि उनके जो जितने भी बोन्स के इशूज़ हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं लहसुन की वजह से, अगर वो भी क्लॉथ्स का इस्तेमाल करना शुरू करें। इसके साथ साथ वाइटामिन डी के हवाले से मैं कहूँगी कि आप में से बहुत से लोगों को डिप्रेशन होता होगा, बैठे बैठे घबराहट हो रही है, तो आप डिप्रेशन के लिए कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग ना लें, किसी साइकेट्रिस्ट के पास ना जाएं, अपने दिमाग को खराब ना करें, दवाइयां आप इन पर डिपेंडेंट हो जाती हैं, नींद के लिए गोलियां ना खाएं। आप सिर्फ ये करें कि आप सिंपल आप धूप में बैठें 15 मिनट, आगे सर्दियां आ रही हैं, गाजरें मूलियां शलजम कैबेज ये तमाम चीज़ें प्लेट में काटें और आराम से नमक चढ़ के खाएं। आपका विटामिन डी जो सोर्स डायरेक्ट सन है, ये सन रेज हैं, इसके थ्रू जब आपकी बॉडी में विटामिन डी आएगा, मार्क माय वर्ड्स, विद इन 5 डेज आप खुद कहेंगे कि आपका डिप्रेशन कहाँ गया, एंजाइटी कहाँ गई। तो ये सब करें, और करने के बाद मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बाय।